जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप लोगों से गुजारिश है और आज न्यू पटेल कंपाउंड अर्जी पटेल कंपाउंड में पार्टी और भी तमाम दीगर पार्टियों के साथ में महाविकास आघाड़ी बनी है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुरेश मात्रे बाल्या मामा जी को बनाया गया, उनके प्रचार के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आज हमारे यहां पर परिवहन सेल के अध्यक्ष नौशाद अंसारी ने बाल्या मामा के प्रचार के लिए यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन साहब हमारे साथ में हैं, उनके हाथों ये प्रचार की ऑफिस का आज उद्घाटन हुआ है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस इलेक्शन में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैं जो बात कहने के हम लोग यहाँ पर आए हैं कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबके दिलों में इंडिया अलायंस को जिताने का सब लोगों ने ठाना हुआ है, मगर ये ठानने के साथ में हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। चाचा आप लोगों से भी, नौजवान लोगों से भी, बूढ़े बच्चे सभी लोगों से, हम लोगों की एक जिम्मेदारी ये बनती है कि निशानी जो है हमारी बहुत अलग एक निशानी है, तुतारी निशानी जो है ये हर वोटर को, हर औरतों को, हर बच्चों को, हर वोटर को आप लोग बताइए घर घर जाके कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना सभी की जो है निशानी है ये तुतारी। ये तुतारी निशानी देखिए, ये बहुत अलग इलेक्शन है, इसमें 12 पार्टियां हिंदुस्तान की मिलकर के इलेक्शन लड़ रही है। और हमारे महाराष्ट्र में जो है 4 पार्टियां जो बड़ी बड़ी है, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना, ये चारों पार्टी मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रही है। तो हम सभी पार्टियों की निशानियां अलग अलग है। शिवसेना की जो है मशाल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो है तुतारी है, कांग्रेस का जो पंजा है और समाजवादी पार्टी की साइकिल है। मगर इस इलेक्शन में हम सभी पार्टियों का जो उम्मीदवार है बाल्या मामा, उसकी निशानी ये तुतारी है। चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो राष्ट्रवादी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप सभी लोगों को प्रचार घर घर जाके ये करना है कि तुतारी निशानी है, सभी पार्टियों की निशानी तुतारी है, तुतारी के ऊपर हम लोगों को वोट देना है, ये सबसे बड़ा काम है। और वोटिंग के दिन सुबह सुबह सबसे पहले इस बार याद रखो, बहुत इनकलाबी इलेक्शन है ये, हमारे सामने बहुत बड़ी फासिस्ट ताकत खड़ी है। ये कोई आम म्युनिसिपैलिटी का और एमएलए का इलेक्शन नहीं है, ये मोदी को हटाने वाला इलेक्शन है। अगर इस देश में, इस इलेक्शन में अगर हम लोग बेदार नहीं हुए तो इसके बाद हम लोगों के हाथ में मौका शायद ही नहीं आने वाला है। हमारे दिल में, जज्बे में वोट देने का जो जुनून लोगों के अंदर दिख रहा है, उस जुनून को हम लोगों को 20 तारीख के दिन कैसे पूरा करना है, यही बोलने बताने हम लोग आए हैं। सबसे पहले सुबह 7 बजे उठ करके अपना अपना वोट सब लोग डालिए। अपना वोट डालने के बाद अपने घरों में अपनी माँ बहनों को, अपने घर के बीवी बच्चों को, जो भी है उनका वोट डालवाइए। और दोपहर के बाद जो अपने पड़ोस के लोग हैं, जो आजू बाजू के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, उनको हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करो कि अगर इस इलेक्शन में इनकलाब लाना है तो तुमको वोट डालना है। वोट जो नहीं डालेगा, जो भी 20 तारीख को वोट नहीं डालेगा, वो अपनी आने वाली नस्ल के साथ में गलत करेगा। याद रखिए, ये इलेक्शन आने वाले 20 साल के आगे की सोच का है। अपने बच्चों की नस्ल को, जो आने वाली नस्ल है, उनको सुधारने के लिए, उनको बचाने के लिए इस इलेक्शन में हम सबको अपने घरों से निकल के वोट डालना पड़ेगा। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा दिन रात लगे हुए हैं। बस यही आप लोगों को बोलना चाहूंगा मैं आखिरी में अपनी बात खत्म करते हुए कि आप लोग 20 तारीख को वोट देने निकलिए, अपना वोट दीजिए, फिर अपने घर वालों का दिलवाइए। और जो अभी 10 दिन का टाइम है, ये ऑफिस उसी लिए खोली गई है, यहाँ पे आके आप यादी का काम होगा, यहाँ पे चिट्ठी का काम होगा यहाँ पे, और यहाँ से रोज अपने अपने लोगों में निकल करके आप लोग बताइए निशानी तुतारी है, निशानी तुतारी है, तुतारी पे सबको वोट डालना है। ये हर औरत और बच्चों के दिमाग में, हर लोगों के दिमाग में आप लोग डाल दीजिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि पटेल कंपाउंड एरिया क्या मतलब, और भी जो एरिया है, पटेल कंपाउंड के लोगों में भी बेदारी मैंने बहुत देखी है यहाँ पे, नौशाद भाई की, उनकी टीम की, आप लोग भी इंशाल्लाह यहाँ पे हाईएस्ट पोलिंग करा सकते हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। यही उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। राहुल जी, पार्टी के सेक्रेटरी अर्शी आजमी जी, यहाँ के हमारे सेल अध्यक्ष नौशाद अंसारी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी बुजुर्ग दोस्तों और नौजवान साथियों, इलेक्शन करीब आ रहा है,
और ऑफिस की ओपनिंग इसलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ से जो है आपकी यादी का काम होगा, आपका वोट कितने नंबर पे है, क्या है, कैसा है, ये सब स्लिप जो है आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ नौशाद भाई बैठेंगे, कुछ और बच्चे बैठेंगे, हो सकता है लैपटॉप का इंतजाम हो तो फौरन स्लिप निकाल कर आपको देने का भी काम भी इस ऑफिस से हम लोग करेंगे। आपको हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि ये इलेक्शन जो है लोकसभा का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस मुल्क में है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की हुकूमत है, और 10 सालों में इन्होंने पूरे मुल्क को बेच डाला है। बस सुबह उठते हैं मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान चाइना, यही सब बातें हो रही है, लेकिन जो काम की बातें हैं, जो आपकी बातें हैं, हमारे जो मसाइल हैं, पिछले 10 साल में कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने महंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा कि क्यों दाम इतने बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में कभी नहीं कहते भाई इतनी बेरोजगारी क्यों हो रही है। हम अपने शहर की बात करते हैं, कल तक हमारे अपने शहर में भिवंडी शहर में तकरीबन 8 लाख पावर लूम हुआ करते थे, आज जो है सिर्फ 4 लाख पावर लूम बचे हैं। कांग्रेस का भी दौर था 2004 से 2009 तक और 2009 से 14 तक, उस वक्त तकरीबन 6 लाख लूम थे। कांग्रेस ने बुनकरों की मदद की, किस तरह से ये पावर लूम सनक चले इसके लिए कांग्रेस ने काम किया और वो लूम बढ़कर जो है 8 लाख हो गए। आज आप देखिए कि जितनी सरकारी इंडस्ट्री थी वो सब ये लोग जो है अडानी अंबानी के हाथ में बेच डाले। बम्बई एयरपोर्ट अडानी, धारावी की पूरी झोपड़पट्टी अडानी के नाम पे कर दी है। अब कल जो है उनकी ताकत और बढ़ेगी तो धारावी में जो हमारे लोग गरीब लोग रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं, बम्बई जैसे शहर में जो इज्जत के साथ रहते हैं, वहाँ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर जो है लाखों करोड़ों रुपये बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। सड़क का काम जो है वो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, आपको जो है रेलवे स्टेशन जो है बेचा जा चुका है। तो ये जो सरकारी चीजें हैं, जहाँ कल तक हमारे रेल का टिकट जो है आप 2014 में देखिए तो 100 से 150 रुपये तक जाने का टिकट होता था, 200 होता था, लेकिन आज देखिए आज उस टिकट के दाम क्या है। प्लेटफॉर्म हम 2 रुपये में किसी को छोड़ने जाते हैं, 2 रुपये में प्लेटफॉर्म पे जाते थे, आज उस प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये कर दिया गया। ये सब बातें जो है, कल तक हमको दुकानों पे राशन की दुकान से अनाज लेने कौन जाता है, गरीब जाते हैं वही राशन की दुकान से अनाज लेते हैं। 2 रुपये में हमको जो अनाज मिलता था इन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन राशन की दुकान पे आपको केरोसिन नहीं मिलेगा, गैसलेट नहीं मिलेगा। जब तक कांग्रेस की सरकार थी 350 रुपये में आपको गैस का बाटला मिलता था, आज 1000 के ऊपर आपको गैस मिल रही है। इन्होंने जो है सबको बोला कि आपका अकाउंट जो है जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खोला जाएगा, आप जाओ और अकाउंट खोल लो। लोगों ने अकाउंट खोल लिया, 500 रुपया उसमें आया और वो पूरा 500 रुपया जो है अगर आप 6 महीना अकाउंट नहीं चले तो पूरा 500 रुपया गायब हो जाता है। ये सरकार की हालत है, सरकार सिर्फ बेचने का काम कर रही है और इतना जुल्म कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना ये लूटमार कर रहे हैं बीजेपी की सरकार वाले। आज इस इलेक्शन में इन्हीं को हराना है हमको, बाकी कुछ नहीं देखना है। बीजेपी को कौन हरा सकता है तो बालिया मामा जैसा एक आदमी भिवंडी शहर में आया है जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है, वो हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है। एक नंबर वो हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, वो शिवसेना का उम्मीदवार नहीं है, वो समाजवादी का उम्मीदवार नहीं है। मैं ये भी कहता हूँ कि वो एनसीपी का भी उम्मीदवार नहीं है, वो उम्मीदवार जो है जनता का उम्मीदवार है। और ये पहला इलेक्शन हम देख रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है किसी पार्टी किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है, ये इलेक्शन सीधा सीधा जनता और बीजेपी के बीच में ये इलेक्शन होने जा रहा है। आप लोग को आपकी जिम्मेदारी यही है, मुझको अभी मालूम पड़ा कोई सामरे नाम का एक व्यक्ति है, कहीं उसका ठिकाना नहीं है। पूरे शहर में आप कल मैं ईदगाह रोड पे चल रहा था, एक 8 साल का बच्चा था, ऐसे 2 बच्चे खड़े थे, मैंने बोला बेटा वोट किसको दोगे,
तो उसने कहा कि बालिया मामा को। मैंने पूछा तेरा तो वोट भी नहीं है, कैसे वोट देगा? बोले मेरे घर में है ना वोट। तो इतना पॉपुलर हो गया बालिया मामा हर घर में हर रास्ते पर। और उसमें ये जो आते हैं बीच बीच में, अपने मुस्लिम मोहल्ले में किसी ने साम्राज्य की ऑफिस ले आया कि निशानी, मुझको अभी तक समझ में नहीं आई क्या निशानी है। लेकिन इधर माधव नगर शमा नगर में कोई एक ऐसी छोटी सी ऑफिस के लिए लेके आ गया, कुछ पैसा रोज मिलता है, ऑफिस चल रही। मैंने उनके एक आदमी को बुलाया, मैंने बोला क्यों ऐसी ऑफिस खोलते? उसने कहा, बोले जाने दो ना ऑफिस खोलने दो ना उनको, तुम्हारा क्या जाता है, वोट तो सब बालिया को ही जाने वाला है, एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा। उसने यहाँ शमा नगर के अंदर मुझसे कहा कि एक वोट कहीं नहीं जाएगा, सब बालिया को जाएगा। और ये पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख में कि हर कोई जो है एक ही उम्मीद लेके चल रहा है, एक ही मकसद लेके चल रहा है कि हमको जो है भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाना है। क्योंकि ये पार्टी जो है ये कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए महंगाई के बारे में, प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए कि हमको गरीब किस तरह से जिए। बेरोजगारी जो है, उन्होंने जब 2014 में आए थे बोले हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, आज जो है बेरोजगारों की तादाद रोज बढ़ते जा रही है। ये सब मसाइल कोई बात ना करके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आ गई दिल्ली में तो औरतों का मंगलसूत्र ले लेगी। प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दिया कि 70 साल में 55 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, एक औरत खड़ी होकर बता देवे कि कांग्रेस पार्टी ने उसका मंगलसूत्र ले लिया है। कभी प्रधानमंत्री जैसा इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी जलसे में कहता है, बड़े जलसे में कहता है कि आपके पास अगर 2 भैंस है तो राहुल गांधी जो है 1 भैंस आपकी लेके मुसलमानों को दे देगी। इस तरह की बातें सब ये लोग कर रहे हैं। और कुछ अंधभक्त हैं वो उनकी बातों में बहक कर जो ये समझते हैं, अरे 70 साल में मुसलमानों ने कौन सा जुल्म किया, कौन सा क्या किया है आज तक जो है, आप बता दीजिए कि इन 70 सालों में जो है किसी का भी धर्म कब खतरे में रहा? ये लोग रोज बोलते हैं जब इनकी सरकार आती है, बोलते हैं हिंदू खतरे में है, कभी बोलते हैं ये खतरे में है, कभी बोलते हैं मंदिर खतरे में है, कभी मस्जिद खतरे, यही सब बातें। इसके लिए हमने किसी को चुन के नहीं दिया, हम चुन के दिया है कि हम इज्जत के साथ, हमारी सिक्योरिटी ना हमें इस मुल्क में जो है इज्जत के साथ दिए, यही बात राहुल कहता है। राहुल गांधी क्या कह रहा है, 4000 किलोमीटर वो जो है पहले फेरे में चला और दूसरे दौर में जो है 6000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया उस शख्स ने, वो कोई आम आदमी नहीं है। उसके माँ बाप दादी दादा ने तकरीबन कम से कम जो है 55 साल में 50 साल उन लोगों ने हुकूमत की है, 45 साल हुकूमत की है। आज उनके पास उनका अपना घर नहीं है दिल्ली में, ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उनका अपना घर नहीं है, सरकारी घर में आज भी वो लोग रह रहे हैं, ना उनके पास अपनी गाड़ी है ना कुछ है। लेकिन एक जज्बा उन्होंने खोया इस हिंदुस्तान की जो हुकूमत में जो है, उन्होंने शहादत दी है, इंदिरा गांधी शहीद हुई है, राजीव गांधी शहीद हो गए। लेकिन आज भी राहुल गांधी पहला जब जो यात्रा शुरू किया तो उसने ऐलान किया कि डरो मत, सबसे ज्यादा खतरा किसकी जिंदगी पे है, राहुल गांधी के, लेकिन डर नहीं रहा है। और आपसे भी कह रहा है कि डरो मत, ये देश आपका है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहा है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोग की थोड़ी सी कमी यही होती है कि यहाँ वोटिंग कितनी होती है, 30%, 35%, 40%, इससे जो है आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। आपको अगर बीजेपी को हटाना है, उत्तर प्रदेश के यहाँ लोग होंगे यहाँ पर कुछ, तो आपने काशीराम का दौर देखा होगा, काशीराम ने दलितों के दिल में एक भावना डाल दी है, उसने कहा है कि आपको हाथी पे वोट देना है, आपका कैंडिडेट जीते हारे कुछ भी करे, और इलेक्शन का दिन आपके लिए त्योहार है, इलेक्शन के दिन आप लोग नया कपड़ा पहन के निकलिए, जो कपड़ा अच्छा आपके पास हो वो पहन के निकलिए, रास्ते में कोई भी मिले कुछ भी कहो, लेकिन अंदर जाकर हाथी के बटन के सामने बटन दबा कर जो है निशानी के सामने वोट दो। वो जज्बा जो है मैं चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर पैदा हो, और आप जो है इलेक्शन को आप अपना त्योहार समझ कर जो है
वोटिंग में हिस्सा लीजिए। तुतारी का बटन आदमी जो है, जो तुतारी बताता है, आदमी के साथ इतनी बदमाशी की है बीजेपी सरकार ने कि एक को और तुतारी दे दिया। अब देखेंगे आपको ऊपर भी एक तुतारी है, दो नंबर हमारा निशान है, बालिया मामा का निशान है दो नंबर पे, वो एक आदमी तुतारी बजा रहा है, और नीचे जाओ तो एक और निशान आता है तुतारी, खाली तुतारी है जो बजाते हैं ना आप, देखो राजा महाराजा के इस्तकबाल के लिए बजाते हैं, वो आदमी बजाता हुआ तुतारी बालिया मामा का निशान है, हम सबका निशान है वो। तो बराबर दो नंबर पे जो निशान है वही बटन दबाकर आप लोग जो उसको वोट दीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी जो है हिंदुस्तान की तकदीर बदलेगी, हिंदुस्तान का इतिहास बदलने का काम ये काम करेगी। ये लोग जो बोलते हैं बीजेपी वाले कि हम 2047 तक 2050 तक हुकूमत करेंगे, ये सब जो है ये खुदाई दावा करते हैं, और जब जब कोई खुदाई दावा करने लगता है तो अल्लाह ताला उसको उतार के जो है जमीन में फेंक देता है, आप सब लोग जानते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि उस दिन जो है आप लोग किसी का नाम यहाँ लिस्ट लेके बैठेंगे, आप लोग लिस्ट देखिए अच्छी तरह से, अपना नाम निकलिए, आखिरी दिन लिस्ट देने की कोई जरूरत